Good morning, students. Hope you are safe at home. So today I'll explain you rural local government, that is Panchayati Raj. So this Panchayati Raj is divided into three main parts, that is Gram Panchayat, Panchayat Samiti and Jilla Parishad. That we will discuss in Zoom class. So today I'll explain you that is Panchayati system, and this Panchayati system is again divided into three parts, that is Gram Sabha, Gram Panchayat and Nyay Panchayat. So students, today I'll tell you what is the link between Gram Sabha and Gram Panchayat. Are you getting my point? So today I'll tell you what is the link between this Gram Sabha and Gram Panchayat. In dono ka kya link hai? Okay, so today we will I'll explain this, right? So let's move to the So now today I'll tell you link between Gram Sabha and Gram Panchayat. Okay, so what is the link between Gram Sabha and Gram Panchayat? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं बेटा कि Gram Sabha elects the member of the Gram Panchayat. जो Gram Sabha है, जो मैंने अभी आपको फ्लो चार्ट दिखाया था, Gram Sabha Gram Panchayat के members को चुनती है, elect करती है. एक्चुअली विलेज में जितने भी 18 साल से ऊपर वाले व्यक्ति हैं, दैट कम्स अंडर द मेंबरशिप ऑफ ग्राम सभा. ओके, सो ग्राम पंचायत इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द ग्राम सभा. ग्राम पंचायत जो है, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत इज़ रिस्पॉन्सिबल, ग्राम सभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल है. रिस्पॉन्सिबल मीन्स जवाबदेह, जवाबदेह है, ठीक है. यानी कि वो ग्राम पंचायत पूरा ग्राम सभा के काम को पूरा करती है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरी वन? सो द नेक्स्ट लिंक बिटवीन द ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत इज दैट कि ग्राम सभा क्या करती है, जितने भी काम करने होते हैं ग्राम पंचायत ने, पूरे प्लान्स, जैसे सैनिटाइजेशन का होगा, ड्रिंकिंग वाटर का की फैसिलिटी हो गई, ये सारे जितने भी काम हैं, इट इज़ प्रेजेंट बिफोर द पीपल. ओके, सो इन ग्राम सभा, ग्राम सभा में सारे काम रखे जाते हैं लोगों के सामने कि क्या काम करना है, कि ग्राम पंचायत क्या करेगी, ग्राम पंचायत ने क्या क्या काम करने हैं. सो एवरीथिंग इज़ प्लेस इन फ्रंट ऑफ द पीपल. द ग्राम सभा प्रिवेंट द पंचायत फॉर प्रिवेंट्स, ग्राम जो ग्राम सभा है वो क्या करती है, पंचायत को कोई भी गलत काम करने नहीं देती है, राइट. ग्राम पंचायत हैज़ अ सेक्रेटरी, ग्राम पंचायत का एक सेक्रेटरी होता है और वो ग्राम सभा का सेक्रेटरी भी होता है. आई थिंक नाउ दिस इज़ क्लियर द लिंक बिटवीन ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत. मेरे ख्याल से सब बच्चों को ये क्लियर हो गया होगा बच्चे कि क्या लिंक इन दोनों के बीच में क्या संबंध है बच्चे. सो नाउ आई विल टेक अप द डिफरेंस बिटवीन ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत. अब इन दोनों के बीच में मैं डिफरेंस बताऊंगी आपको, ठीक है. सो ग्राम सभा एक्ट एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी और ग्राम पंचायत को जो है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी. अब आपको मैंने गवर्नमेंट चैप्टर जब मैंने एक्सप्लेन किया था उसमें हमने पढ़ा था द लेवल्स, दैट इज़ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी. द वर्क ऑफ लेजिस्लेटिव इज़ टू मेक लॉ, और एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, टू इम्प्लीमेंट लॉ, एंड जुडिशरी का काम क्या होता है, टू गिव जजमेंट. ओके, तो यहाँ पे भी वही सेम काम है. सो जो ग्राम सभा है वो लेजिस्लेटिव की बॉडी की तरह काम करती है,
एंड क्या करती है, जैसे डिसीजंस लेने हैं, बनाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, और ग्राम पंचायत उन सब कामों को इम्प्लीमेंट करती है, लागू करती है, जैसे सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटाइजेशन, इन उन्होंने प्रोग्राम बना दिया और सारा काम कौन करता है, ग्राम पंचायत करती है। सो लेजिस्लेटिव ग्राम सभा की तरह काम लेजिस्लेटिव की तरह काम करती है, और ग्राम पंचायत जो है एग्जीक्यूटिव की तरह काम करती है। और जितने भी एडल्ट मेंबर्स मींस द जिनकी एज 18 ईयर से ऊपर हैं, सो ऑल द एडल्ट मेंबर्स ऑफ द पंचायत फॉर्म्स द ग्राम सभा, बताया था मैंने अभी आपको पहले। वाइल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ग्राम सभा फॉर्म्स द ग्राम पंचायत, जितने भी चुने हुए जो मेंबर्स होते हैं ग्राम सभा में, वो ग्राम पंचायत का निर्माण करते हैं। ओके और देन जो एज है इसकी ग्राम सभा के मेंबर्स की 18 इयर्स होती है, और ग्राम पंचायत का मेंबर बनने के लिए उनकी एज होती है मोर देन 21 इयर्स। ओके द नेक्स्ट वन, ग्राम सभा रिव्यूज द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत। ग्राम सभा जो है ग्राम पंचायत के काम को रिव्यू करती है, दोबारा देखती है। द ग्राम सभा कैन पास अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट इनएफिशिएंट मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत। ग्राम सभा जो होती है क्या करती है, पास अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, मतलब हमें कॉन्फिडेंस नहीं है इनएफिशिएंट मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत। जो ग्राम पंचायत में इनएफिशिएंट मेंबर्स होते हैं, जो मतलब काम करने के काबिल नहीं हैं, जिन्होंने काम सही तरीके से नहीं किया या नहीं कर पाएंगे, उनके अगेंस्ट ग्राम सभा एक वोट पास कर सकती है, दैट इज़ नोन एज वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, मतलब हमें आपके काम पर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो इस तरह का वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास कर सकती है किसके अगेंस्ट, इन एफिशिएंट मेंबर ऑफ द ग्राम पंचायत। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत। आई थिंक नाउ इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी दैट वॉट इज द लिंक बिटवीन ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत एंड वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत। आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन। सो नाउ द नेक्स्ट लेवल का जो हमारे पास वो है द न्याय पंचायत। अभी मैंने आपको फ्लो चार्ट में दिखाया था ना कि हमारे जो ग्राम पंचायत है जो विलेज लेवल, तो पहला था हमारा पंचायती राज जो था ग्राम सभा, सेकंड था ग्राम पंचायत, थर्ड है न्याय पंचायत। सो न्याय के नाम से ही आपको पता चल जाएगा बेटा, न्याय मीन्स जजमेंट करने वाला। सो न्याय पंचायत इज़ अ जुडिशियल विंग ऑफ द पंचायती राज सिस्टम एट विलेज लेवल। जजमेंट देने की एक ऐसा विंग यानी कि ऐसा संगठन है जो न्याय देता है, ठीक है, कहाँ किस लेवल पर, विलेज लेवल पर। द टर्म ऑफ सर्विस ऑफ द न्याय पंचायत इज ऑल्सो ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल तक ये काम करती है। और इसके जो मेंबर्स है, जैसे ग्राम पंचायत के मेंबर्स चुने जाते हैं, वैसे इनके भी न्याय पंचायत के चुने जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं। और ये जितने भी सिविल और क्रिमिनल केसेस होते हैं, छोटे मोटे जो केसेस होते हैं, जैसे ज़मीन का हो गया, किसी बाउंड्री लाइन को लेके हो गया, दो परिवारों में हो गया, इस तरह के अगर जो छोटे छोटे डिस्प्यूट्स होते हैं, उनको ये सुनती है कौन, न्याय पंचायत। एंड इट कैन फाइन एंड पनिश द गिल्ट विद इन सर्टन लिमिट्स, कुछ लिमिट तक ये उनको पनिशमेंट दे सकते हैं, जो गिल्टी पर्सन्स हैं, जिन्होंने कुछ गलत किया है उनको सज़ा सुना सकते हैं, बट उनको जेल नहीं भेज सकते हैं। अब न्याय पंचायत जो है, इसका मेन पर्पस क्या है बेटा, इसका मेन पर्पस क्या है कि जल्दी जस्टिस मिल जाए, जल्दी न्याय मिल जाए, और कम पैसों में जल्दी न्याय विलेज लेवल पर मिल जाए। ओके सो ऑल दीज थ्री आर एट विलेज लेवल, दैट इज़ ग्राम सभा, ग्राम पंचायत। इन द स्टार्टिंग आई हैव शोड यू द फ्लो चार्ट, सो इन दैट ग्राम सभा, ग्राम पंचायत एंड न्याय पंचायत। आई थिंक नाउ दीज थ्री टर्म्स आर क्लियर टू एवरी चाइल्ड
Okay, so if you're having any doubt, you can ask me in Zoom class. Okay, thank you.